आस्था आस्था जी, ये बताइए 8 मार्च को जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाएगा, तो एक महिला होने के नाते आप इस बार क्या चाहेंगी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में मेरा यही आज्ञा है सरकार से कि हमारे लिए एक हमारे लिए भी कुछ किया जाए पढ़ाई के लिए, यहाँ पे कुछ अच्छा सा यूनिवर्सिटी खोला जाए ताकि हम लोग और आगे अच्छा से पढ़ सके। वुमेन्स कॉलेज ऐसे है बट उससे भी कोई और अच्छा हो ताकि हम लोग के लिए भी कुछ अच्छा सा और मिले। महिलाएं हमेशा अपने लिए फ्रीडम की बात करती है, तो किस तरीके की फ्रीडम जो है महिलाएं चाहती हैं? फ्रीडम एक्चुअली रात में हम लोग के लिए काफ़ी दिक्कत होता है घूमने के लिए, तो हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग रात में फ्रीली घूम सके जैसे लड़के घूमते हैं और हमें सेफ्टी लगे इस वजह से। चलिए बहुत अच्छी बात है, तो एक चलिए पुरुषों से भी जान लेते हैं कि महिला दिवस पर उनका क्या कहना है। एक्सक्यूज मी, क्या नाम है आपका? यशस्वी। यशस्वी मुझे ये बताइए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे तो मैंने इनकी राय जान ली, लेकिन एक पुरुष होने के नाते आप अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को किस रूप में देखते हो और किस तरीके से मनाएंगे? पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा हर वुमन को जो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि विदाउट वुमन एवरीथिंग इज नॉट पॉसिबल इन दिस यूनिवर्स, और वुमेन एम्पावरमेंट की बात होनी चाहिए अभी के डेट में जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं जिनके लिए भी हैं। तो इस वजह से मतलब मैं गवर्नमेंट के लिए यही बोलूँगा कि आप एक वुमेन एम्पावरमेंट के लिए अच्छी चीज़ें करें जहाँ वुमेन सेफ हो, अच्छा वो फील करें, इवन उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलने चाहिए जो मेंस को भी मिलते हैं। धन्यवाद। तो चलिए ये थी इनकी राय कि क्या कुछ कहना है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे, लेकिन और भी कुछ लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनका क्या ओपिनियन है इस मुद्दे को लेकर। एक्सक्यूज मी, आप सिंह बोले, क्या नाम है आपका? सौम्या। सौम्या, ये बताइए कि 8 मार्च को जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में जो मनाया जाता है, एक महिला होने के नाते आप क्या कुछ चाहती हैं? शाम को बाहर निकलना एंड कहीं ना कहीं आज़ादी। Exactly. And what else? You speak in English now? It's fine? Okay. So, like, the only thing what I feel, like, I stay in Delhi. So, when I'm there, so I have so many things to do. Like, I can go out whenever I want. And whenever I'm here, so it's like, you can't go out after 7. You can understand what I'm saying, right? So, first of all, I'll say that. And secondly, I want to say that equality. Equality. Yeah, because... See, there's not a single day you're going out and a person is not looking at you. You understand what I'm saying? Yeah, so that's all. Man or women equality, man and women equality, I don't think so. Both can be balanced because in the society you can see that even if you want things, you can't balance both of the things. But man and women equality, I think whatever a man is getting in the society, हर बार महिला दिवस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और इसको लेकर हर बार इक्वालिटी की बात की जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो है धरातल पे नहीं दिखता है। एग्जैक्टली, बिकॉज यू कांट बैलेंस बोथ द थिंग्स। फॉर बैलेंसिंग बोथ द थिंग्स यू नीड टू रिस्पेक्ट व्हाट वुमेन आर डूइंग इक्वली व्हाट मेन आर डूइंग। या सॉरी, See, I won't say that they are not doing, but at some extent they are helping people, they are coming with different programs, but they should look into it more. Yeah. तो क्या नाम हुआ पहले आप नाम थे? अच्छा बाद में बता दीजिए नाम। अर्चना। अर्चना जी, मुझे ये बताइए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में आप एक महिला होने के नाते क्या चाहती है? बहुत सिंपल और सीधा सवाल। सुलिका वर्मा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो 8 मार्च को जो है मनाया जाता है, एक महिला होने के नाते अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे क्या चाहती हैं आप? महिलाओं को उनका राइट मिले और उनकी सेफ्टी का पूरा अरेंजमेंट किया जाए। हर बार सेफ्टी की बात की जाती है, हर साल 8 मार्च को जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ें नहीं दिखती, इस पर क्या कहेंगे? इसमें सरकार को अलर्ट होना पड़ेगा। एक महिला होने के नाते और कुछ क्या चाहती है कि जो महिलाओं को अभी जो चीज़ें नहीं है वो चीज़ मिलनी चाहिए? डेफिनेटली मिलनी चाहिए, एकदम मिलनी चाहिए। चलिए हम कुछ पुरुषों से भी जान लेते हैं कि आखिर उनका क्या ओपिनियन है इसको लेकर। क्या नाम है आपका? तुषार। तुषार, मुझे ये बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में आप किस तरीके से एक मैन होने के नाते अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाएंगे? वेल, इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेट मतलब बेसिकली इट्स डन टू ऑनर द वुमेन एंड द कंट्रीब्यूशन टू अवर सोसाइटी, एंड बेसिकली वो मैं हमेशा करता हूँ, चाहे मेरे लाइफ में जितने भी वुमेन हो उनको जो रिस्पेक्ट रहता है, उनको मतलब जो प्रॉब्लम्स सोसाइटी में रह के फेस करना पड़ता है, देयर इज ऑब्वियसली सम
वेरी वुमेन स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स दे हैव टू फेस, आई ट्राई टू मेक श्योर दैट उनको वो नॉर्मल लाइफ डे टू डे लाइफ में भी नहीं हो, एंड स्पेशली आई ट्राई टू मेक श्योर दैट दैट इवन नॉर्मल लोग कंसिडर करें वुमेन का जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है, स्पेशली ऑन इंटरनेशनल वुमेन्स डे। एक मैन होने के नाते पुरुषों को क्या संदेश देना चाहेगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर? पुरुषों को क्या संदेश देना चाहूँगा? संदेश वही रहेगा, जस्ट ट्रीट देम लाइक यू ट्रीट एनी अदर पर्सन इन द वर्ल्ड, चाहे मर्द हो या पुरुष हो या फिर किसी भी जेंडर का हो, सबको सेम ट्रीट करो और हमेशा करो, बस एक दिन कोई नहीं, दैट्स ऑल। तो ये थे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर लोगों का ओपिनियन। महिला हो चाहे पुरुष हो, सबका मानना है कि महिलाओं को जो है इक्वालिटी रिस्पेक्ट जो है सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन ही नहीं, हर दिन उसी तरह से उनके साथ पेश आना चाहिए, उसी तरह से व्यवहार करना चाहिए। और कहीं ना कहीं बात जो है अभी तक जो है एक फ्रीडम की बात जो है आती है कि अभी तक फ्रीडम जब स्वतंत्रता जो है महिलाओं को उस तरीके से नहीं मिली है जिस तरीके से पुरुषों को मिली है। इसी को लेकर महिलाओं की भी राय थी कि हमारे साथ भी इक्वालिटी वाला बिहेवियर, एक समानता वाला व्यवहार जो है किया जाए, और साथ ही साथ हमें भी वही स्वतंत्रता मिलनी चाहिए जो पुरुषों को मिलती है इस समाज में। तो फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में बस इतना ही, बाकी के लेटेस्ट अपडेट में बने रहे हमारे साथ भारत 24/7 के साथ। अब तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द लाइक और सब्सक्राइब कर लें, और हमारे कमेंट बॉक्स में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर आपका क्या कुछ कहना है हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।